इसमें है एक ऐसा क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग रीजन. ऐसा रीजन अब आपको दिया हुआ है, सेट बना दिया, सारे पॉइंट्स ले लो एक्स वाई. ये कैसे पॉइंट्स हैं? इसमें पॉइंट्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9. ठीक है, और आपको क्या दे दिया? 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3. अब ये निकालो, इस रीजन का एरिया निकालो. ये क्या है? सर्कल की इक्वेशन. वेरी गुड. सबसे पहले ये पहचानना है, ये तो हमें समझ में आ रहा है कि ये केवल पॉइंट्स है, ऐसे वाले पॉइंट लेने हैं. ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म ही तो है. अब एक्स और वाई इस इक्वेशन से या इस इन इक्वेशन से रिलेटेड है ना. अगर इस सेंटर वाले इस साइन को हम इक्वल टू मान ले और अपने पास इसको नोट करें कि ये कैसी इक्वेशन है, तो हमें पता चलता है कि ये जो कर्व है ये है एक सर्कल, है ना. अब सर्कल में तो क्या बनेगा? सिर्फ बाउंड्री. तो लेस देन इक्वल टू लगाने से क्या होगा? ये तो रेडियस हो गया ना, थ्री रेडियस हो गया. सर्कल जब हम ऐसे बनाएंगे, ये पॉइंट हो गया 3 और ये पॉइंट हो जाएगा -3. ठीक है, लेस देन इक्वल टू का क्या मतलब कि आपने अंदर अंदर रहना है, इस रीजन का एरिया निकालना है, 9 के बाहर नहीं जाना. या तो 9 से लेस रहो या 9 के इक्वल. इक्वल आते ही हम सर्कल की बाउंड्री पर आ जाएंगे और लेस होने पर सर्कल के अंदर रहेंगे. तो ये बात क्लियर है कि इस एरिया का, इस रीजन का एरिया निकालना है. और निकालना कहां से कहां तक है? 0 लेस देन एक्स लेस देन 3. इसका मतलब ये नहीं निकालने, ये नहीं निकालने. पक्का? ध्यान से देखो, 0 लेस देन एक्स लेस देन 3. ठीक है, कर दें इसको. क्या आपको लग रहा है ये सही होगा? यस मैम. यहाँ भी तो x की वैल्यू वही है ना, 0 और 3 के बीच में, है ना. तो यहाँ ध्यान ये रखना है, x की वैल्यू अगर वो कह रहा है 0 और 3 के बीच में रखो, तो यहाँ पर एरिया ये दोनों क्वाड्रेंट्स का आएगा. ठीक है, तो अगर ये ना दिया होता तो हम 4 इंटू फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कर देते. ठीक है, लेकिन अगर ये दिया है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर. इतना समझ में आ गया सबको? अच्छा, अगर एक छोटा सा चेंज यहाँ कर, अगर ये कर ले माइनस थ्री, तो क्या होगा? तो आपको एरिया नहीं लेना, ये एरिया नहीं लेना, कौन सा लेना होगा? फिर ये सारा लेना होता. ठीक है, ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है. चलो हम इनको अलग से लिख के अलग अलग कर लेंगे. ठीक है, अभी जितना दिया है उतना करते हैं, और बाकी के जो दो इसके वेरिएशंस हैं वो इसके बाद अलग से मैं आपको राइडर लिखवा दूंगी, आप उनको करना. फिलहाल अभी समझ में आ रहा है ना बेटा कि हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में? तो फिर स्टार्ट कर लेते हैं. सबसे पहले गिवन कर्व, हमें इसको कर्व ही लिखना है, हमें पता है वो क्या चीज है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9. दिस इज अ सर्कल, क्लियर पहले लिख देंगे. और डायग्राम जरूर बनाएंगे, इन क्वेश्चंस में बिना डायग्राम्स के कोई भी मार्क्स नहीं मिलते, नो मार्क्स एट ऑल. ठीक है, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल दैट डायग्राम इज कंपलसरी. ऑब्वियसली आपको कोई बात नहीं, चलता है. कोई नहीं, जैसा भी बन गया. तो गिवन के हिसाब से दिस इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 यूनिट्स. ठीक है, आप इतना क्लियर कर देंगे. 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3 इंप्लाइज रिक्वायर्ड एरिया. क्योंकि बहुत ज्यादा हमें समझाना तो है लेकिन बहुत ज्यादा शब्दों में नहीं लिख पाएंगे, शॉर्ट में लिख देंगे. रिक्वायर्ड एरिया इज शेडेड एरिया. ये सब आप जरूर बताएंगे और अपने लिए भी इसको कर लेंगे ताकि आपसे कोई गलती ना हो. जब आपने ये कर लिया ना, रिक्वायर्ड एरिया इज शेडेड एरिया, तो आप इतना इसको शेड कर दीजिए. ठीक है, नाउ
this required area is equal to 2 multiplied by area in first quadrant. क्या ये सबको क्लियर है? एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ही निकलेगा, पर सिमेट्रिकल फिगर्स हैं ये सारी, इसलिए एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये पूरा एरिया मिल जाएगा. ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय आई. और अब हम आई निकाल लेते हैं. आई क्या है? 0 से लेके 3 तक तो एक्स की वैल्यू है. अब यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ द सर्कल लिख लेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स. तो एफ एक्स हम निकालेंगे फंक्शन सर्कल की इक्वेशन में से. सर्कल की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9. यहाँ पर वाई की वैल्यू आनी चाहिए, क्या आएगी? 9 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर पूरे का अंडर रूट. ठीक है, क्लियर है ना? तो आई है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 3 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx. सिंपल फॉर्मूला है इसके बाद और ये आप लोग कर लेंगे. लेकिन फाइनल आंसर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप सबको पता है बेटा, i को इनटू 2. देयरफॉर आंसर जो भी होगा, हाँ, 2 मल्टीप्लाइड बाय i की वैल्यू, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1. और ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेंगे, ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, करेंगे कंप्लीट और मुझे बताएंगे. ठीक है, इसी का एक राइडर और ले लेते हैं. एक राइडर और का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा चेंज. इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ, अब फिर से वही है, एक्स वाई सेट ऑफ पॉइंट्स है सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9. बस इतना ही दिया हुआ है, एक्स एंड वाई बिलोंग टू रियल नंबर, बस इतना ही दिया हुआ है. अब क्या करना है, हम ये डिस्कस कर चुके हैं. क्या करना है आपने इसमें? तो वही का वही बनेगा, 3 - 3 वाला. और अब आपको चाहिए पूरा एरिया. हाँ, पूरा एरिया चाहिए. एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो है 9 के बराबर या उसके अंदर अंदर रहना चाहिए सारा. ठीक है, बस ये पूरा एनक्लोज्ड एरिया, इसका मतलब 4 × 4 इन आई फर्स्ट क्वाड्रेंट. हाँ बिल्कुल, हाँ, जो आप आई निकालोगे उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे और वो यही होगा जो यहाँ निकालोगे, वही तो आएगा यहाँ भी. सेम इक्वेशन ले रहे हैं आप. हाँ राइट. और एक और अगर इसका ले ले, एक और राइडर इसका ले लेते हैं, तो वो क्या आ जाएगा? फाइंड द एनक्लोज्ड एरिया यहाँ पर. अब हम ले लेते हैं, पॉइंट्स है एक्स वाई, इक्वेशन वही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9. और अब लिमिट्स चेंज कर दी बेटा, 0 - 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 0. ठीक है, अब ये आपको क्लियर हो रहा है कहाँ पर जाएगा ये सर्कल? वही बनेगा 3 और -3 के बीच में, है ना? लेकिन अब एरिया क्या लेना है, जब एक्स है 0 से -3 के बीच में, तो ये वाला एरिया आपको चाहिए. अब क्या करें, हम हमेशा एरिया निकालते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालते हैं ना, तो आप वही करेंगे. आप निकालेंगे एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला और से मल्टीप्लाई करके इसको लिख देंगे. या फिर आप क्या करेंगे, एक तरीका और, क्योंकि एरिया पॉजिटिव होता है हमेशा, तो फिर क्या करोगे उसके लिए, आप लिखोगे एरिया इज इंटीग्रल फ्रॉम, अब नीचे छोटा नंबर मतलब -3, ऊपर बड़ा नंबर 0, और ये मैंने जो बड़ा सा मॉड डाला है ये क्या बता रहा है, आप जो भी इसका एरिया निकालोगे वो नेगेटिव में अगर आंसर आएगा, क्योंकि आपकी वैल्यूज ऐसी हैं, तो आप लिखोगे इसका मॉड, यस, टू मेक इट अ पॉजिटिव वैल्यू. ठीक है, और ये निकलेगा आपका एक क्वाड्रेंट में बेटा, फिर आप इसको कर देंगे मल्टीप्लाइड बाय 2. क्लियर है सभी को? तो ये जो तरीका है, जो तरीका है आपको गिवन कर्व लिखने का, इस तरीके को समझना. ठीक है, इस तरीके से कोई भी कर्व आपको दिया हो सकता है, फिर लाइंस भी हो सकती हैं. एक और देख लो,
कंप्लीट इन्हें आप करेंगे और मुझे पिक भेजेंगे इसकी. अगेन फाइंड द एनक्लोज्ड एरिया. ओके मैं दोबारा लिख लेती हूँ. फाइंड द एनक्लोज्ड एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन. तो कई बार इंटीग्रेशन यूज करने को वो लिख देते हैं, कई बार नहीं भी लिखते हैं, पर आपको पता है मेथड यही फॉलो. एक्स वाई ये सारे पॉइंट्स ले लो, जबकि एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 लेस देन इक्वल टू 1. एक तो ये दे दिया, फिर ऊपर से क्या दे दिया, 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2, ये भी दे दिया साथ में. अब आपने तो सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि हमको कर्व क्या दिया है, शेप क्या दी है. शेप यहां से पता लगेगी क्या शेप है, ये सबको पता है. बोलो एलिप्स, मेजर एक्सिस 4 एंड माइनस 4 यहां से पता चलता है, माइनर एक्सिस 3 एंड माइनस 3, पता चल रहा है ना सभी को? यस मैम. ओके तो एक एलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस. ये एलिप्स हो गया. अब यहाँ पर पॉइंट्स तो 4 और ये यहाँ तक जा रहे हैं, ये है 0. 1 और 2 कहाँ मिलेगा, मान लो यहाँ पर और यहाँ पर मिला, तो हमको निकालना है केवल ये वाला एरिया. ये कर्व तो है, एक्स और वाई इससे रिलेटेड है, उससे हमें क्या मिला, ये वाली बाउंड्री मिली. ठीक है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक एरिया लेना है, वो x की वैल्यू दी हुई है 1 से लेके 2 तक. तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ. कोई बोलेगा इंटीग्रेशन करेंगे बाय इंटीग्रल, तो एरिया जो भी हमें चाहिए 1 से लेके 2 तक एफ एक्स डी एक्स. और ये एफ एक्स डी एक्स क्या है, 1 से लेके 2 तक. बोलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 ये पूरा मल्टीप्लाइड बाय 9 और इसका अंडर रूट. अरे थोड़ा थोड़ा साथ में इंटर मैच करते चलो ना, इसको सॉल्व कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, कॉन्स्टेंट्स को बाहर लोगे, है ना, यही तो करोगे. हाँ एग्जैक्टली. तो यहाँ से 9 का स्क्वायर रूट हो गया बेटा 3, 16 का हो गया 4. इंटीग्रल है x से लेके तक, एलसीएम ले लिया 16 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट. हमने किया हुआ है ना पहले इस तरह का क्वेश्चन, सिर्फ आज हमने क्या किया, आज हमने इसको कर्व के अंदर का एक छोटा पोर्शन ले लिया और लिखा उसको इस स्पेशल फॉर्म में. इस तरह से लिखने से डायग्राम चेंज नहीं होता, लिखने का स्टाइल फर्क है. यू शुड ओनली नो हाउ टू राइट. ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चंस जो आज के हैं नोट कीजिए, नहीं तो मैं आपको इस रिकॉर्डिंग भेज दूंगी. ये क्वेश्चंस आज आप कंप्लीट करेंगे जरूर, आपका यूटी होगा.